हेलो फ्रेंड्स, सो आज हम पहुंच चुके हैं चकराता, जो कि आप देख पा रहे हो। ये चकराता लाइज बिटवीन टंस रिवर एंड यमुना रिवर, दोनों रिवर के बीच में आता है चकराता। और ये है देहरादून से 98 किलोमीटर की दूरी पे। ये एक कैंटोनमेंट एरिया है, मींस ये ब्रिटिश इंडियन आर्मी के टाइम से कैंटोनमेंट एरिया है और यहाँ फॉरेनर्स अलाउड नहीं है। में आपको हिमाचल प्रदेश मिलेगा, जबकि ईस्ट में आपको मसूरी देखने मिलेगा। तो चकराता आप मसूरी से भी आ सकते हो और विकास नगर से भी आ सकते हो, दोनों वे से आ सकते हो और आपको बस भी मिल जाएगा। जनरली मसूरी, देहरादून, आप दोनों जगह से आपको बस मिल जाएगी चकराता के लिए। इवन ISBT न्यू दिल्ली से भी आपको बस मिल जाएगी चकराता के लिए इजीली। चकराता के लिए नियरेस्ट रेलवे स्टेशन आपको देहरादून रेलवे स्टेशन है, और जो नियरेस्ट एयरपोर्ट है वो भी देहरादून एयरपोर्ट है, उसको जॉली ग्रांट के नाम से भी जाना जाता है। तो लोकेशन कैसा लग रहा है फ्रेंड्स? मज़ा आ रहा है, देख रहे हो ना लोकेशन क्या ज़बरदस्त है। पीछे का वेदर देखो गाइस, ऑसम। ये जो धुंध दिख रहा है ना, बहुत दिनों के बाद दिखने मिला है, अलग ही मज़ा आ रहा है, बहुत अच्छा लग रहा है। देखो क्या वेदर हो रहा है, एकदम हल्की सी बारिश हो रही है, भीग भी नहीं रहा हूँ, बहुत हल्की सी बारिश हो रही है, लेकिन मज़ा आ रहा है, फील आ रहा है एकदम वेदर का, रेनी सीजन का। इस जगह में बहुत ही सुंदर लग रहा है फ्रेंड्स, बहुत। फ्रेंड्स फाइनली हम पहुंच गए हैं चकराता। बाकी व्यू तो आप देख पा रहे हो, वो तो अभी यहाँ ढूंढना पड़ेगा रूम्स, देखते हैं मार्केट में क्या है, रूम्स कहाँ पे मिल सकता है। सो चलिए फ्रेंड्स, बाकी व्यू देखो, वाई ऑसम। सो फ्रेंड्स, ये है हमारा रूम, रूम नंबर 203। यहाँ आप केटली, पानी का जग, ग्लासेस और टीवी भी देख पा रहे हो। और ये रहा कबर्ड, बेड, डबल बेड, एंड देन यहाँ पे अच्छा टेबल चेयर भी है बैठ के चाय पीने के लिए। एंड देन यहाँ आपको देखने मिलेगा वॉशरूम, वॉशरूम भी काफ़ी नीट एंड क्लीन है, गीज़र भी है, एग्जॉस्ट एंड देन टैप्स वगैरह, डिज़ाइन तो ठीक है, क्लीन भी है काफ़ी। और फ्रेंड्स ये रहा रिसेप्शन का नंबर, इस पर आप कॉल करके रूम बुक करके आ सकते हो। फ्रेंड्स देख रहे हो इवनिंग का हालत, चकराता मॉल रोड, हल्की हल्की बारिश हो रही है और पूरा धुंध, भाई साहब क्या वेदर है। एंड नेक्स्ट अब हम जाने वाले हैं, सामने ही आपको दिखाने वाले हैं कि सनसेट पॉइंट, और सनसेट पॉइंट का व्यू जो कि जबरदस्त होने वाला है। यहाँ सब वही देखने जाने वाले हैं, तो देखते हैं फ्रेंड्स, हम भी चलते हैं और देखते हैं कि कैसा रहता है वहाँ का व्यू, सनसेट पॉइंट। और बाकी अभी कहीं लेट ना हो जाए, इसलिए पहले तो सनसेट पॉइंट की तरफ निकलेंगे एंड प्राइसेस वगैरह सारा ही आपसे डिस्कस करने वाले हैं। सो कीप ट्यूनिंग एंड कीप वॉचिंग, लेट्स गो ट्रैवल डायरीज। सो गाइज, नेक्स्ट हम होटल बाइट ग्रिल्स में जाने वाले हैं चिकन मोमोज के लिए।
तो फ्रेंड्स, ये आ गए हमारे गर्मा गर्म मोमोस। सो फ्रेंड्स, आप देख पा रहे हो यहाँ सीधे जाएंगे तो कंटोनमेंट सनराइज एंड सनसेट व्यू पॉइंट है, और नीचे वाले रास्ते से जाएंगे तो मसूरी के लिए रास्ता है। सो अभी हम जा रहे हैं सनसेट व्यू पॉइंट पे सनसेट देखने के लिए। आइए चलते हैं। हम लोग पहुंच चुके हैं सनराइज एंड सनसेट पॉइंट चक्राता। फ्रेंड्स, हम अभी जा रहे हैं सनराइज पॉइंट। पैदल ही जाना पड़ेगा क्योंकि रोड्स मीन्स बहुत ही डेंजरस टाइप है, बहुत बड़े बड़े गड्ढे हैं। मीन्स कार जाने के लिए पॉसिबल नहीं है। आप बाइक चाहे तो बाइक लेके आ रहे हो तो आप बाइक से जा सकते हो इजीली, कोई इशू नहीं है। बाइक चढ़ जाएगा बट कार नहीं जा सकती। कार को आपको यहीं पर पार्क करके फिर पैदल जाना पड़ेगा टू दी नेक्स्ट टॉप ऑफ चिरमिरी। चिरमिरी टॉप जो है वो है हाइस्ट पॉइंट ऑफ चक्राता। ये चक्राता का सबसे हाईएस्ट पॉइंट है। सो यहाँ से व्यूज तो गाइस लाजवाब आएंगे जैसा कि आपको बता रहा था। एंड चलते हैं ऊपर, सनसेट होने में अभी थोड़ी सी टाइम है। जैसे अभी 5 बज रहे हैं तो देखते हैं सनसेट बढ़िया से, और आपको भी दिखाते हैं कि कैसा रहता है यहाँ का सनसेट का व्यू। सो चलते हैं गाइस इन पत्थरों से चलते चलते। ये एकदम खड़ी चढ़ाई है और रोड्स तो आप देख ही रहे हो फ्रेंड्स। गाइस, हम बहुत ही क्लोज है टॉप से। फ्रेंड्स, ये हम पहुंच गए हैं चिरमिरी हिल टॉप, जो कि है सनसेट और सनराइज का व्यू पॉइंट। वाओ गाइस, ऑसम। ऐसा फील हो रहा है कि यहीं पे बैठे रहे हमेशा। इट्स जस्ट ऑसम।
सो फ्रेंड्स, दिस इज द चकराता मार्केट। हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग एंड वेलकम बैक टू चकराता ट्रिप डे टू। सो आज हम सबसे पहले जाने वाले हैं बुद्धेर केव्स, जो कि चकराता मार्केट से जस्ट 42 किलोमीटर्स की दूरी पे है। बट क्योंकि रोड्स हिली है और थोड़ा सा डैमेज भी है, सो आपको लगभग 1.5 से 2 घंटे लगने वाले हैं बुद्धेर केव्स के लिए। तो सबसे पहले हम निकल चुके हैं और हम जा रहे हैं बुद्धेर केव्स के तरफ, और उसके बाद और भी जो लोकेशन है टूरिस्ट स्पॉट्स है हम वो भी जाएंगे, जैसे देवबन एंड टाइगर फॉल वो भी जाएंगे। सो कहीं मत जाना फ्रेंड्स, कीप वॉचिंग एंड एंजॉय द ट्रिप। ऐसा लग रहा है जन्नत में एंट्री हो रही है हमारी, इतना प्यारा व्यू है। उफ, मन कर रहा है यहीं बस जाए और कहीं जाए ही ना वापस। ऑलमोस्ट हम लोग ऊपर तक पहुंच गए गाइस, और यहाँ पे पूरा धुंध हो रखा है ऊपर साइड, एकदम बादल से पूरा घिरा हुआ है। इतना अच्छा लग रहा है ना, ठंडी, इतना प्लेजेंट वेदर है कि पूरा धूप भी है और हल्का हल्का ठंडा ठंडा सा भी हवा आ रहा है, बहुत मज़ा आ रहा है। और अभी हम लोग को पहुंचने में अराउंड 20 किलोमीटर है, तो 55 मिनट्स लगेंगे लिख रहे हैं। फ्रेंड्स, अभी हम पहुंचे हैं कोटी कानासार, जो कि 30 किलोमीटर दूर है चकराता से। ये एक बहुत ही सुंदर विलेज है और लगभग 1 घंटे की दूरी पे है चकराता से। बाकी सीन आप देख पा रहे हो, बहुत ही सुंदर है मेरे पीछे। सो हम यहाँ पे आए हैं मैगी खाने के लिए, सो देखते हैं मैगी का टेस्ट।
इतना खतरनाक रास्ता से क्रॉस करके आते आते हम पहुंच गए हैं बुघेर, जहाँ की वन विश्राम है, भवन है, बट ये वन विश्राम भवन भी अभी बंद है, लॉक है गेट पे। और यहाँ आके हमें पता चला कि बुघेर मोइला टॉप जो हमें जाना था वो लगभग 2.5 किलोमीटर दूर है, तो वो हमें पूरा ट्रैकिंग करके जाना पड़ेगा, तो बहुत ही मुश्किल है। आप रोड देख पा रहे हो, बहुत ही बुरा हाल है रोड का। ये पूरा रोड चढ़ाई करके 2.5 किलोमीटर हमें चढ़ना है, फिर उतरना भी है। सो मेरे को नहीं लगता हमसे हो पाएगा, इतना ताकत नहीं है, इतना सांस, इतना स्टैमिना नहीं है भाई साहब 2.5 किलोमीटर इस रोड से ट्रैकिंग करने का। सो लग रहा है कि इस रोड से आने का कोई फ़ायदा नहीं हुआ, फिर से वापस ही जाना पड़ जाएगा हमें, तो इतना नहीं चढ़ा जाएगा। 100 मीटर जाते जाते सांस चढ़ जाएगी, तो 2.5 किलोमीटर है। ऊपर से ये गाय के बछड़े दौड़ा रहे, इसलिए इतना लेके खड़ा होना पड़ रहा है। और हमारे वो बहुत सारे गाय भी खड़े हैं, हाँ बंदर भी है पेड़ों में, तो रिक्स ना लेते हुए हमें वही सही लग रहा है, बेटर रहेगा कि हम चले जाए। सो अगर आपको केव घूमना तो उसके लिए भी आपको गाइड लेके जाना पड़ेगा, अदरवाइज आप जा नहीं सकते। और गूगल के भरोसे, गूगल मैप्स के भरोसे तो बिल्कुल मत आना फ्रेंड्स, क्योंकि हमें लगभग 15 किलोमीटर फालतू जाना पड़ा। लोखंडी क्रॉस करके हम 15 किलोमीटर आगे कूटी कनासार से भी आगे चले गए थे, जो कि उधर है ही नहीं कोई रास्ता, बुघेर केव्स के लिए उधर कोई रास्ता ही नहीं है। तो आपको है कि आप लोकल पीपल से पूछ सकते हो, लोखंडी एक प्लेस है, लोखंडी से आपको सीधा लेफ्ट लेना है और वहाँ से 3.5 किलोमीटर्स में आपको ये विश्राम भवन मिलेगा। यहाँ पास में आपको आपकी कार पार्क करनी है और उसके बाद आप 2.5 किलोमीटर अगर आप ट्रैक कर सकते हो तो आप 2.5 किलोमीटर फिर ट्रैक करके जा सकते हो मोइला टॉप। सो चलते हैं नेक्स्ट लोकेशन, देखते हैं, ये भी हुआ नहीं, देखना हमारा नसीब ही खराब हो गया है। कल को देखो हाथ में ईटा बोतल लेके घूम रही है। इवन की गाइस पूरे रास्ते में आपको कहीं पे भी टर्निंग नहीं मिलेगा, नो यू टर्न कहीं नहीं है। ये जो 3.5 किलोमीटर का रास्ता है इसमें कोई टर्निंग पॉइंट नहीं है, आपको पूरा सीधा सीधी आना पड़ेगा। सो फ्रेंड्स, हम लोग टाइगर वाटरफॉल के गेट पे पहुंचे हैं और अभी लगभग 1 किलोमीटर दूर पे है, तो चलते हैं आगे एंड लेट्स सी वहाँ का सीन कैसा रहता है। बाकी यहाँ पे व्यू तो काफ़ी अच्छा है, ग्रीनरी है, बट एकदम खाली खाली है। मे बी ऑफ पिट प्लेस है और ऑफ सीजन है, इसके वजह से शायद खाली है। सो फ्रेंड्स, ये हम पहुंच गए हैं टाइगर फॉल रेस्ट, यहाँ पे आपको पार्किंग भी दिख रही है, आप यहाँ अपनी गाड़ी पार्क करके ट्रैक करके जा सकते हो, या फिर ये जो रास्ता है नीचे जा रहा है उससे गाड़ी से भी जा सकते हो, लगभग 2.5 किलोमीटर का, जैसे देख रहे हो इधर टाइगर फॉल, तो टाइगर फॉल आप 2.5 किलोमीटर गाड़ी से भी जा सकते हो, रास्ता आपको कच्चा मिलेगा। सो अगर आप गाड़ी लेके जाना चाहते हो तो गाड़ी लेके जा सकते हो, या फिर पैदल 1 किलोमीटर का ट्रैक करके भी जा सकते हो। ये ही रोड है जो आपको टाइगर फॉल तक ले जाएगा, ये रोड जो जा रहा है यही आपको टाइगर फॉल तक ले जाएगा। बाकी नज़ारे तो आप देख ही सकते हो फ्रेंड्स, और पानी की भी आवाज़ आ रही है, बहुत ही सुंदर। और ये ट्रैक वाला रास्ता है जिससे आप ट्रैक करके जा सकते हो टाइगर फॉल तरफ। रेस्ट यहाँ टाइगर फॉल का चेक पोस्ट पे आपको 30 रुपीज़ पर हेड के हिसाब से देना पड़ेगा, और तभी आप चाहे बाई रोड जाओ या फिर बाई फुट जाओ, तो दोनों वे में भी आपको 30 रुपीज़ पर हेड देना होगा और उसके बाद ही आप जा सकते हो टाइगर फॉल देखने के लिए। सो चलते हैं, हम लोग गाड़ी से ही जा रहे हैं, सो चलते हैं, 2.5 किलोमीटर का रास्ता है, ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा फ्रेंड्स। सो देखते हैं टाइगर फॉल, द हाइएस्ट वाटरफॉल ऑफ उत्तराखंड। Yes.
सो फ्रेंड्स, 2.5 किलोमीटर का जो कच्चा रास्ता था वो हमने गाड़ी से पार कर लिया है। नेक्स्ट अब बचा 300 मीटर का रास्ता, वो भी ऐसे ही मीन्स कच्चा रोड ही है, तो ये हमें पैदल ही तय करना होगा। सो चल रहे हैं, ये हम जा रहे हैं बाय वॉकिंग, और साइड में ब्यूटीफुल सीन भी है फ्रेंड्स, झरने का पानी जाते हुए। चलते हैं अभी इस रोड में, और कितने एडवेंचर्स बाकी है गाइस। धीरे धीरे रास्ता और भी डेंजरस खराब होता जा रहा है। भाई साहब, क्या रास्ता है, किधर से जा रहा है, स्लिप मत हो जाना। सो फ्रेंड्स, आवाज आ रहा है पानी का, कितना मस्त लग रहा है। ये रहा टाइगर फॉल, और आगे सीधे में, चलिए चलते हैं। सो फ्रेंड्स, ये रोड पे चेतावनी भी है, यहाँ पे ड्रिंक करना, गंदगी फैलाना, अश्लीलता करना सब मना है। सो नेक्स्ट चलते हैं रोड पे। ये और एक चेतावनी आ रही है, शराब पीने पर 5,000 रुपये का जुर्माना। वाओ गाइस, देख पा रहे हो पूरा ग्रीनरी कितना अच्छा लग रहा है, एकदम ग्रीन ग्रीन दोनों साइड, और बीच में से ये वाटरफॉल देखने जा रहे हैं हम। ये है टाइगर फॉल क्षेत्र में आपका हार्दिक स्वागत है। ओके, तो यहाँ स्विमिंग कॉस्ट्यूम्स भी अवेलेबल है 30 पर पर्सन। वाओ, आगे गाइस, यहाँ से एक झलक दिख रहा है आपको, बाकी चलते हैं हम लोग सामने। लेट्स गेट एक्साइटेड। सो गाइस, हम बस पहुँच गए हैं, और ये रहा दी हाईएस्ट वाटरफॉल ऑफ उत्तराखंड, दी टाइगर वाटरफॉल। क्या आवाज़ है गाइस,